पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे क्योंकि हमने ठान ली है अब मंजिल से मिलना है। इस कहावत को सच साबित कर दिखाया है हमारे आज के कैंडिडेट। इनकी कामयाबी की गाथा न केवल आपको मोटिवेट करेगी बल्कि जिंदगी में मेहनत करके अपने लक्ष्य को कैसे पाना होता है ये भी आप जान पाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ जयांशा, आप देख रहे हैं मिशन JPS। हमारी आज की कहानी है झारखंड के रहने वाले संदीप पवन की, जिन्होंने JPSC 2022 की परीक्षा न केवल पास की बल्कि इसमें अच्छे अंक भी हासिल किए। संदीप के घर में इनके साथ इनके माता पिता रहते हैं। बात अगर इनकी शिक्षा की जाए तो इन्होंने गांव के स्कूल से अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इसके आगे 9वीं तक की शिक्षा इन्होंने गाँव के बाहर स्थित पुलसिक स्कूल से की। इसके बाद आगे इनकी शिक्षा और अच्छी हो सके इसलिए इनके माता पिता ने इनका दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में करा दिया, जहां से इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद ये दिल्ली चले गए और वहां से इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की। सिविल सेवाओं में जाने का मन इनका शुरू से ही था, पर इनके घर वालों को लगता था कि पहले इन्हें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेनी चाहिए, इसलिए इन्होंने पहले अपनी पढ़ाई पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी होने के तुरंत बाद इन्होंने JPSC की परीक्षा देने का निर्णय लिया और उसका आवेदन पत्र भी भर दिया। फिर क्या था, ये लग गए परीक्षा की तैयारी में। परीक्षा की तैयारी के समय इन्होंने कुछ नहीं देखा, न सर्दी देखी न गर्मी देखी, बस लगे रहे अपने सपने को पूरा करने में, जिसका नतीजा हम सब देख ही सकते हैं। अपनी कामयाबी के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा कि इस परीक्षा को पास करने में इन्होंने बहुत मेहनत की है, जिसके लिए इनके परिवार वालों ने इनका समर्थन पूरी तरह किया है। इसे पाना आसान नहीं था पर इन्होंने कर लिया। संदीप ने कहा, अगर उनके परिवार वाले इनका साथ नहीं देते तो ना जाने वो इस मुकाम पर पहुंचते भी या नहीं। आगे आने वाले छात्रों को मोटिवेट करते हुए इन्होंने कहा कि मेहनत करो, डरो मत, एक ना एक दिन अपने लक्ष्य में सफल जरूर हो जाओगे, बस लक्ष्य साफ होना चाहिए। सच में इन्हीं के जैसे लोग होते हैं जो इस बात को साबित कर देते हैं कि इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और आपका हमसे कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।